चंडीगढ़ में अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में सीधे तरीके से हमारे पास बहुमत थी और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं थी। चुनाव से पहले इन्होंने पार्षदों को खरीद फरोख्त करने की, तोड़ने की पूरी कोशिश की। जब ये पूरी तरीके से फेल हो गए, तब चुनाव के दिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसको बीमार करके इन्होंने चुनाव ही नहीं कराई। चुनाव जब इन्होंने नहीं कराई तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने बड़े सख्त शब्दों में ये कहा कि या तो आप चुनाव करवाओ या फिर हम इंटरवीन करेंगे। इसके बाद इन्हें चुनाव करवानी पड़ी। जो चुनाव हुए उसमें 20 वोट हमारे पक्ष में थे और 16 वोट इनके पक्ष में पड़े। लेकिन जो 20 वोट हमें पड़े थे उसमें फ्रॉडुलेंट तरीके से इन्होंने लगभग 8 वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया और जल्दी से उनको कुर्सी में बैठाकर उनको मेयर बना लिया। हम कोर्ट में गए हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर एक चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने में हम असमर्थ हैं, हमारा देश अगर असमर्थ हो रहा है तो गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है। जब वीडियो में ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फ्रॉडुलेंट तरीके से चुनाव में वोटों की चोरी कर सकते हैं, तो फिर मन में एक बड़ा संदेह और प्रश्न उठता है कि बाकी के चुनावों में ये कुछ ना कुछ करते होंगे या करने की कुछ भी क्षमता रखते हैं। तो आज देश के सामने प्रजातंत्र को बचाने के लिए और चुनाव की निष्पक्षता को स्थापित करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसका विरोध हम सब मिलकर करें। कल 11 बजे हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी वो भी उपस्थित रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी भारी संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और प्रजातंत्र को बचाने में, चुनावों की गरिमा को बचाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।